ओम शांति। आज प्यारे बाबा दे 15/1/2021 दे महावचन बाबा ने आज अपने बच्चियां नु कहा, मिठे बच्चे तुसी अद्धा कलप जिसकी भक्ति कीती है ओ बाप खुद तुहानू पढ़ा रहे हन। इस पढ़ाई तो ही तुसी देवी देवता बनते हो। प्रश्न है, योग बल दे लिफ्ट दी कमाल की है? योग बल दे लिफ्ट दी कमाल की है? उत्तर है, तुसी बच्चे योग बल दी लिफ्ट नाल सेकंड विच ऊपर चढ़ जांदे हो, अर्थात सेकंड विच जीवन मुक्ति दा वर्षा तुहानू मिल जांदा है। तुसी जानदे हो सीढ़ी उतरन विच 5000 साल लगे अते चढ़दे हो 1 सेकंड विच। ए है योग बल दी कमाल। बाप दी याद नाल सब पाप कट जांदे हन, आत्मा सतो प्रधान बन जांदी है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चियां नू बैठ के समझाउंदे हन। रूहानी बाप दी महिमा तां बच्चियां नू सुनाई है। ओ ज्ञान दा सागर सत चित आनंद स्वरूप है। ज्ञान दा सागर शांति दा सागर है। उस नू सारे बेहद दियां शिफ्तां दित्तियां जांदियां हन। जिवें आपां किसे दी शिफ्त करदे हां ना, महिमा करदे हां, तां बेहद दे बाप दियां सारियां शिफ्तां हन। हुण बाप है ज्ञान दा सागर अते इस समें जो भी मनुख हन सारे जानदे हन कि असीं भगती दे सागर हां। भगती विच जो सब तो तिखा हुंदा है उस नूं माण मिलदा है। इस समय कलयुग विच है भक्ति दुख, सतयुग विच है ज्ञान दा सुख। इस तरह नहीं कहांगे कि उत्थे ज्ञान है, ए तां महिमा है, सिर्फ एक बाप दी है अते बच्चियां दी भी महिमा है, क्योंकि बाप बच्चियां नूं पढ़ाउंदे हन, अर्थात यात्रा सिखाउंदे हन। बाप ने समझाया है दो प्रकार दियां यात्रावां हुंदियां हन। भगत लोग तीरथ करदे हन, चारों पासे चक्र लगाउंदे हन, माना चारों तरफ चक्र लगाउणा, चारों धाम दी यात्रा करदे हन। जो जिन्ना टाइम चारों तरफ चक्र लगाउंदे हन उन्ना टाइम वह विकार विच नहीं जांदे। जदों यात्रा ते जांदे हन तो बाबा कह रहे मनुख उन्ना टाइम उन्ना समा विकार विच नहीं जांदे। शराब आदि गद्दियां कोई भी चीज़ां खांदे पींदे नहीं। कदे बद्रीनाथ कदे काशी चक्कर लगाउंदे हन, भगती करदे हन भगवान दी। हुण भगवान तां एक होना चाहिदा है ना, सब तरफ तां चक्कर नहीं लगाउणा चाहिदा ना। शिव बाबा दे तीर्थां दा भी चक्र लगाउंदे हन। सब तो बड़ा बनारस दा तीर्थ गाया जांदा है जिसनों शिव दी पुरी कहंदे हन। चारों पासे जांदे हन परंतु जिस दा दर्शन करन लई जांदे हन, अर्थात जिस दी भगती करदे हन, उस दी बायोग्राफी आक्यूपेशन दा किसे नूं भी पता नहीं है, इसलिए उसनों कहा जाता है अंधश्रद्धा। किसकी पूजा करना, मत्था टेकना अते उसकी जीवन कहानी नू ना जानना, इसनों अंधश्रद्धा कहांगे ना। बाबा कहंदे घर विच भी मनाउंदे हन, देवियां दी किन्नी पूजा करदे हन, मिट्टी दा जां पत्थर दियां मूर्तियां बना के उन्हां नू बहुत शिंगारदे हन। समझो लक्ष्मी दा चित्र बनाउंदे हन, उन्हां नूं पुछो इन्हां दी बायोग्राफी दसो, तां कहणगे
सतयुग की महाराणी सी, त्रेता विच फिर सीता सी, बाकी इन्हां नूं किन्ना समा इन्हां ने राज कीता, लक्ष्मी नारायण दा राज कदों तो कदों तक चलिया ये कोई भी नहीं जानदे। मनुख भगती मार्ग विच यात्रा ते जांदे हन, ये सारे हन भगवान दे मिलन दे उपा। शास्त्र पढ़ना ये भी एक उपा है भगवान नाल मिलन दे लई, परंतु भगवान है किथे कहणगे ओ तां सर्वव्यापी है। अच्छा सर्वव्यापी है तो फिर शास्त्र पढ़ते मंदिरां च जांदे तीर्थ करदे कहंदे हन कि भगवान नूं मिलन दा ये उपा है। अगर सर्वव्यापी है तो फिर मिलन किस लई जांदे हन? हुण तुसीं जाणदे हो कि पढ़ाई नाल असीं ये देवी देवता बनदे हाँ। बाप खुद आके पढ़ाउंदे हन जिसनों मिलन दे लई अद्धा कलप भगती मार्ग चलदा है। कहंदे हन बाबा पावन बनाओ अते अपनी पहचान दवो कि तुसी कौन हो। बाबा ने समझाया है कि तुसी आत्मा बिंदी हो, आत्मा नूं ही इत्थे शरीर मिलिया है, इसलिए इत्थे कर्म करदी है। देवत्यां दे लई कहांगे कि सतयुग विच राज करके गए हन। क्रिश्चियन लोग समझते हैं ब्रोबर गॉड फादर ने पैराडाइज स्थापन किया, असी उस विच नहीं सी, भारत विच पैराडाइज सी। उन्हां दी बुद्धि फिर भी अच्छी है। भारतवासी सतो प्रधान भी बनते हैं तो फिर तमो प्रधान भी बनते हैं। वह इन्ना सुख नहीं देखते ते दुख भी नहीं देखते हैं। हुण अंत विच क्रिश्चन लोग किन्ने सुखी हैं? पहला तो गरीब सी, पैसा तो बहुत मेहनत नाल कमाया जाता है ना। पहला एक क्राइस्ट आया, फिर उसका धर्म स्थापन हुंदा है, वृद्धि हुंदी जाती है, एक तो दो, दो तो चार, फिर इस तरह वृद्धि हुंदी जाती है। हुण देखो क्रिश्चना दा झाड़ किन्ना हो गया है। फाउंडेशन है देवी देवता घराणा, उत्थे फिर ये समा बाबा कहंदे ओ फिर इत्थे इस समय स्थापन हुंदा है। तुसी सारियां आत्मावां दा एक ही बाप अनादि है, फिर सृष्टि दा चक्कर फिरदा है। सारे मनुखता सदैव नहीं हन ना, आत्मावां नूं अलग अलग पार्ट बजाउणा है। इस झाड़ दा पहला थुर है देवी देवत्यां दा, फिर उन्हां तों ट्यूब्स निकलदियां हन, तां बाप बैठ बच्चियां नूं समझाउंदे हन, बच्चे मैं आके की करदा हाँ। आत्मा विच धारणा हुंदी है, बाप बैठ सुनाउंदे हन मैं किवें आया। बाबा कहंदे तुसी बच्चे जदके पतित बने हो तो याद करदे हो ना, सतयुग त्रेता विच तुसी सुखी सी ता कोई याद भी नहीं करदे सी। द्वापर तो बाद जदों ज़्यादा दुख होया ता पुकारिया, हे पतित पावन आओ, हे परमात्मा बाबा। फिर बाबा ने की क्या, हाँ बच्चियो सुनिया, की चाहते हो सुनाओ। बाबा कहंदे की चाहते हो? बाबा आके पतिता नू पावन बनाओ। बाबा असी बहुत दुखी पतित हाँ, सानू आके पावन बनाओ, कृपा करो, आशीर्वाद दवो। तुसी मैनू पुकारिया, बाबा आओ आके पतिता नू पावन बनाओ। पावन सतयुग नू कहा जांदा है, ए तां बाप खुद बैठ के दसदे हन ना। अगे बाबा दस रहे अगली पॉइंट विच, तुसी समझदे हो सन्यासी भी दो प्रकार दे हुंदे हन। ओ हन हठ योगी, उन्हां नू राज योगी नहीं कहांगे। उन्हां दा हद दा सन्यास है, घर बार छड के जंगल विच रहंदे हन, गुरुआं दे फॉलोअर बनदे हन। बाबा ने नाम लिया गोपी चंद राजा दे लई भी एक कथा सुनाउंदे हन। उसने कहा तुसी घर बार क्यों छड्डदे हो, कित्थे जांदे हो,
शास्त्रां विच बहुत तरह दीयां कहानियां हन। हुण तुसी बी के राज्यां नूं भी जाके ज्ञान अते योग सिखाउंदे हो। एक अष्टावक्र गीता भी है जिस विच दिखाउंदे हन राजा नूं वैराग आया, बोलिया सानू कोई परमात्मा नूं मिलावे, टिंडोरा पिटवाया। ये ओही समा है तुसी जाके राजियां नूं ज्ञान दिंदे हो ना बाप नूं मिलाउण दा। जिवें तुसी मिले हो तां होरां नूं भी मिलाउण दी कोशिश करदे हो। बाप जादूगर सौदागर रत्नागर है ना, धोबी भी है, सुनार भी है, वकील भी है, सब नूं रावण दी जेल तो छुड़ाउंदे हन। उन्हां नूं ही सारे बुलाउंदे, हे पतित पावन, हे दूर देश दे रहने वाले, आके सानू पावन बनाओ। हुण तुसी संगम युग ते हो, सतयुग विच जाण लई पुरशारथ करदे हो, कलयुग विच हन सारे पत्थर बुद्धि, सतयुग विच हन पारस बुद्धि। तुसी भी पारस बुद्धि सी, तुसी ही हुण फिर पत्थर बुद्धि बने, फिर पारस बुद्धि बनना है। हुण बाप कहंदे हन मैनू बुलाया है तो मैं आया हाँ, तुहानू कहंदा हाँ काम नू जितो तां जगत जित बन जाओगे। बाबा कहंदे बच्चे निर्विकारी बनो, ये अंतिम जन्म हुण पवित्र बनना है, मेरी श्रीमत ते चलो, मैं जो कहां उसनों ही सुनो। अच्छा, फिर बाबा ने याद प्यार दिता, मिठे मिठे सिक्की लधे बच्चियां प्रति मात पिता बाप दादा दा याद प्यार अते गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप दी रूहानी बच्चियां नूं नमस्ते। धारणा लई मुख सार है, पहला है जगत दा मालिक बनना अते विश्व दी बादशाही लैण दे लई मुख काम विकार ते जित पौनी है, संपूर्ण निर्विकारी जरूर बनना है। दूसरा है जिवें सानू बाप मिलिया है इस तरह सारिआं नूं बाप नूं मिलाउण दी कोशिश करनी है, बाप दी सही पहचान देनी है, सच्ची सच्ची यात्रा सिखलाउणी है। वरदान है शांति दी शक्ति द्वारा सैकिंड विच हर समस्या दा हल करन वाले एकांतवासी भव। जदों कोई भी नवी या शक्तिशाली इनवेंशन करदे हो, इनवेंशन माना कार्ड कटदे हो कोई, तां अंडरग्राउंड करदे हो, उत्थे एकांतवासी बनना ही अंडरग्राउंड है। इत्थे एकांतवासी बनना ही अंडरग्राउंड है। जो भी समा मिले कारोबार करदे होए, सुनदे सुनाउंदे, डायरेक्शन दिंदे भी, इस देह दी दुनिया अते देह दे पान तो परे शांति विच चले जाओ। ये अभ्यास अते अनुभव करन कराउण दी स्टेज हर समस्या दा हल कर देवेगी। इस नाल एक सैकिंड विच किसे नूं भी शांति अते शक्ति दी अनुभूति करा दवोगी। जो भी सामने आएगा वो ऐसे स्टेज तो साक्षात्कार दा अनुभव करेगा। सलोगन है व्यर्थ संकल्प अते विकल्प तो किनारा कर आत्मिक स्थिति विच रहना ही योग युक्त बनना है। अच्छा, ओम शांति।